हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ चेक्स वर्ल्ड। तो आज हम जानेंगे कि कोफ्ते कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम घी लिया है, उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना, उसका पानी जो है ना पूरा निचोड़ करके हटा लेना है। उसके बाद हमें इसके अंदर अजवाइन डालना है, 4 से 5 टेबल स्पून बेसन डालना है। फिर स्वाद अनुसार हम इसके अंदर नमक डालेंगे और थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी भी डालेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी डालना है, और धनिया का पत्ता इसके अंदर हम काट करके डालेंगे। हम इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि घिया के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। तो हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारी कंसिस्टेंसी होगी वो बिल्कुल ऐसी होगी, इससे ज़्यादा थिक या इससे ज़्यादा लाइट हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेना है, उसके अंदर हम सरसों तेल डालेंगे। जब वो सरसों तेल गर्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, उस बैटर का गोल शेप में बना करके कोफ्ते बनाएंगे। यहाँ पर हमारा कोफ्ता जो है बिल्कुल पकना शुरू हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको फ्लिप करके दोनों साइड से पका लेना है, और यहाँ पर हमारे कोफ्ते जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हमें 6 से 7 लहसुन लेना है, थोड़ा सा अदरक लेना है, इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना करके रख लेना है। उसके बाद हमें कढ़ाई लेना है, उसके अंदर हम सरसों तेल डालेंगे और जीरा डाल करके इसको पकाएंगे। उसके बाद हमें एक प्याज लेना है, इसको फाइनली चॉप कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक ये रेडिश ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। यहाँ पे अब हमारा प्याज जो है ना बिल्कुल अच्छे से रेडिश ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। मसालों में हमें सबसे पहले यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर डालना है, और यहाँ पे 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा पिंच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर भी डालेंगे, और जो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था ना वो भी हम इसके अंदर डालेंगे, और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये बिल्कुल भी तेल छोड़ना इसका शुरू नहीं हो जाता। जब तक हमारा यहाँ पे मसाला पक रहा है, अब हमें क्या करना है, एक टमाटर लेना है, उसका प्यूरी बना करके रख लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा तेल छोड़ना शुरू कर चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक हरी मिर्च डालेंगे काट करके, और यहाँ पे जो हमने टमाटर का प्यूरी बनाया था वो भी हम इसके अंदर डालेंगे, और इसको हम तब तक पकाएँगे जब तक इसमें से तेल जो है निकलना शुरू नहीं हो जाता। यहाँ पे अब हमारा सारा मसाला और टमाटर जो है अच्छे से पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पानी के अंदर उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हम इसको फिर से बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक पानी की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो जाती। यहाँ पे देखो पानी का कंसिस्टेंसी कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो कोफ्ते हमने बनाए थे ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको 2 मिनट तक हम इसको फिर से पकाएंगे। दो मिनट के बाद अब हमें क्या करना है, गैस बिल्कुल बंद कर देना है। लास्ट में अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर धनिया गार्निश करेंगे, और ये हमारा कोफ्ता जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।